नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल, आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, दो दिन पहले हमने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि बिहार के अंदर जो जमीन सर्वे होने वाला है उसके बारे में बिहार सरकार की तरफ से एक जो RTA का जवाब आया है जिसको अनुरोध भाई ने लगाया था, काफ़ी हैरान करने वाला है और उसके बाद कहीं ना कहीं मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। और आज उसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ कि राज्य सूचना आयोग में बिहार सरकार की जो मुश्किल है वो कम नहीं होने वाली है, क्योंकि जो जानकारी उनको देनी चाहिए थी जिस गजट के बारे में पिछले वीडियो में हमने बताया है उसके बारे में राज्य सूचना आयोग ने कल यानी कि 13/9/2024 को सुनवाई में क्या हुआ उसका अपडेट देंगे, और साथ ही आपको बताएंगे कि इस आदेश में जो पुराना आदेश है उसमें राज्य सूचना आयोग ने क्या कहा था और उसका किस तरह बिहार सरकार ने अनुपालन किया और फिर आगे इसमें क्या हो सकता है, और जिस तरह का सरकार का जो रवैया है या फिर सरकार का जो जवाब है उससे अगर आपका भूमि का सर्वे होगा तो आप पर कितना असर पड़ेगा उसको भी हम आपस में चर्चा करके बताने की कोशिश करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा, कल को होने वाले परेशानी से अभी से बच सकते हैं और बिहार राज्य के किसी भी ज़िले में आप क्यों न रहते हो तो यहाँ पे जो सरकार के द्वारा कहा गया है या फिर बताया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में परेशानी झेलना पड़ सकता है, उससे कहीं ना कहीं अभी अगर पता हो जाएगा या फिर जो पेपर हम आपको देने वाले हैं उससे कहीं बच सकते हैं आप। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि जो सुनवाई हुई थी, जो RTI लगाया था उसमें अनुरोध भाई ने मुख्य रूप से दो सवाल पूछा था। पहला जो सवाल इन्होंने पूछा था कि समस्तीपुर जिला के अंदर कब और कितनी बार सर्वे हुआ है, जिसके बारे में सरकार के तरफ से एक ही अधिकारी ने दो तरह के का जवाब दिया। एक जवाब ये दिया कि दो बार सर्वे हुआ है और फिर उन्होंने कहा कि तीन बार सर्वे हुआ है। पहला जो सर्वे हुआ है कैडेस्ट्रल सर्वे यानी कि CS, और दूसरा रिविजनल सर्वे जिसको कि RS कहते हैं, और एक और जो तीसरा जो सर्वे की बात की उन्होंने चकबंदी की जानकारी दे दी। जबकि जब इन्होंने ये पूछा एक दूसरे सवाल में कि उसके मान्यता से संबंधित जो भी सर्वे हुआ है उसका गजट नोटिफिकेशन या सर्कुलर हमें दिया जाए, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने सीधे लिख दिया कि हमारे कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, और तो और जब उपलब्ध नहीं है मान्यता से संबंधित गजट नोटिफिकेशन, लेकिन वो जवाब ये देते हैं कि किस किस सर्वे के आधार पे दाखिल खारिज किया गया है, तो उसमें वो RS की भी बात करते हैं और CS की भी बात करते हैं और कहीं कहीं तो दोनों की बात करते हैं। जब ये देख लीजिए, मान्यता का जब आपके पास नोटिफिकेशन गजट नहीं हुआ है तब आप कैसे बात कर सकते हैं। जब ऐसा उन्होंने बात किया तो राज्य सूचना आयोग ने अपने आदेश में क्या लिखा है वो जानकर आपको काफ़ी हैरानी होगी, क्योंकि वो भी इस बात को मानते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि सारे ज़िले में किसी एक सर्वे के आधार पर दाखिल खारिज किया जा रहा है या दो अलग अलग सर्वे के आधार पर, क्योंकि यहाँ पे सारे ज़िले की बात है। इसलिए पूरे बिहार के लोगों को बताना चाहूँगा कि आप ये देख लीजिए कि आपके एरिया में जो भी सर्वे है तो सर्वे अधिकारी जो भी आए उनसे ये पूछिए कि कौन से सर्वे के आधार पर आपके यहाँ सर्वे किया जाना है, क्योंकि सरकार के हिसाब से जो जवाब हमारे पास आ रहा है RS सर्वे के मान्यता से संबंधित अभी तक गजट नोटिफिकेशन नहीं है। इसी के लिए राज्य सूचना आयोग ने क्या किया, प्रभारी पदाधिकारी बंदोबस्त कार्यालय दरभंगा को निर्देश दिया जाता है कि सुनवाई की अगली तिथि को स्पष्ट परिमार्जित सूचना के साथ अनिवार्य रूप से आयोग में सदैव उपस्थित रहेंगे। उनको खुद से उपस्थित होकर के और सही जानकारी देने की बात की गई थी, लेकिन आपको बता दूं कि कल जो सुनवाई हुई उसमें वो नहीं आ पाए थे, और जिस भी अधिकारी को उन्होंने भेजा था उन्होंने ये बताया कि उनकी बदली हो गई है और उनके जगह पे कोई मैडम आ गई है और इसी वजह से नहीं आ पाई। हालांकि जो राज्य सूचना आयोग थे उनके समक्ष अनुरोध भाई की तरफ से AR बन करके यानी कि रिप्रेजेंटेटिव बन के मैं खड़ा हुआ था, और मुझे नहीं लगा कि मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है। उन्होंने क्या किया, जो अधिकारी आए हुए थे उनका इतना क्लास लगा दिया, अनप्रोफेशनल तरीके से मेरे सामने उनको नाट डपट किया गया, जो कि होना नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर वो इससे अच्छा जो कानून के हिसाब से कार्रवाई करते तो अच्छा लगता, क्योंकि अभी तक ये साबित हो गया है कि उन्होंने 30 दिन के अंदर सूचना नहीं दी और तो और गलत जानकारी दी, तो उसके हिसाब से कम से कम जुर्माना या उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होती है RTA के तहत होनी चाहिए। और साथ ही हमने ये भी मांग किया है कि उस पर जाँच भी होना चाहिए, इस तरह का जो जवाब दिया गया है उस पर जाँच होना चाहिए, जो कि नहीं किया गया और एक बार फिर से एक डेट दे दिया गया। अब सवाल ये है कि इसके बाद मैंने उनसे पूछा कि ये कब तक मिल पाएगा, तो उन्होंने बोला कि वो आपको देगा, चाहे जहाँ से ला करके दे देगा। इसीलिए अब ये देखना है कि कब तक मिलता है, जबकि बिहार के अंदर सर्वे शुरू हो गया है। अब उसमें ये भी कह रहे हैं कहीं कहीं अगर आप देखिएगा तो CS पे होगा, कहीं RS पे होगा या कहीं दोनों पे होगा,
तो आप एक बात बताइए कि अगर दोनों पे होता है तो क्या प्रॉब्लम होगी और एक पे होता है तो क्या प्रॉब्लम होगी? बहुत सारा प्रॉब्लम है। कहीं ऐसा है जो सीएस में पुराना जो पुराना हो गया सीएस और आरएस नया हो गया 1968 के आसपास वाला, तो कहीं है जो नया से अगर करता है तो आपका ज़मीन मेरे नाम से सर्वे हो चुका है ना, जो कि गलत तरीके से कहीं है जो मेरा ज़मीन आपके नाम से हो गया है, तो इसमें विवाद बढ़ेगा या घटेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। और उसमें भी ये कह रहे हैं कि अगर एक बेस होता, अब चूंकि ये कह रहे हैं कि आरएस इसी आरएस के बाद जो अभी विशेष सर्वे है इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि आरएस पूरा नहीं हुआ था, और पूरा नहीं हुआ था और ना ही कोई गजट हुआ था, जो कि खुद ही स्वीकार कर चुके हैं बिहार सरकार के अधिकारी जी। तो ऐसे में ये भी कह रहे हैं कि दोनों के आधार पर करेंगे, कहीं एक के आधार पर करेंगे, तो सवाल है कि अगर जहाँ पे आरएस के आधार पर कर रहे हैं, रिविजनल के आधार पर कर रहे हैं, तो अगर वो रिविजनल को ही पूरा करना है तो फिर दूसरी और अभी आप देखिएगा ये आरएस में तो बिहार सरकार को का जो जमीन है बहुत सारे माने घूमा मिया लोग अपने नाम पर करवा रखे, बहुत को बेच भी दिया है बहुत सारा ऐसा। और एक और बात पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि जिन्होंने गलत तरीके से आरएस में यानी कि रिविजनल सर्वे में अपने नाम चाहे सरकारी ज़मीन करा लिया हो, चाहे किसी कमज़ोर तबके के लोगों का ज़मीन करा लिया हो, तो चाहते हैं कि आरएस के आधार पे हो। बिल्कुल वो चाहेंगे और ऐसे में अगर सरकार भी अगर चाहती है कि आरएस के आधार पे हो, क्योंकि ये इन्होंने तय कर रखा है कि यहाँ पर हम आरएस से करेंगे, यहाँ सीएस से करेंगे, यहाँ पर आरएस सीएस से दोनों से करेंगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका फिर चिट्ठी हमको कहाँ दिए, लेटर भी नहीं दिया, लेटर भी कहाँ दिया, जो किससे होगा लेटर भी, हम तो मांगे हैं ना कौन मान्यता वाला, किन सर्वे का मान्यता है हमारे जिला में, स्पष्ट आप बताइए। बिल्कुल, तो लेकिन एक चीज उसमें बताया गया है जो पुराने सर्वे ही मान्य है। पुराने सर्वे मान्य है, ठीक है, लेकिन जो नया सर्वे है उसके आधार पर भी तो लिख रहा है कि दाखिल खारिज हुआ है। हाँ। अब दाखिल खारिज मतलब क्या? कहने का मतलब कि आपका ज़मीन अगर हमने आरएस में अपने नाम करवा लिया तो मैंने तो रसीद कटवाया उसका। हाँ, तो ये तो सरकार की कमी है। तो कहने का मतलब हमारा जो वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि सरकार का रिकॉर्ड ही खोटा है, और सरकार उसी खोटा रिकॉर्ड से पूरे राज्य के आम आदमी को परेशान करने में लगी है, और ये जो सर्वे किया जाएगा जब तक सरकार अपना रिकॉर्ड सही नहीं करती है। परेशान तो दूसरी बात है, विवाद और हम और आप में लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हर घर में लड़ेंगे, तो ये स्थिति उत्पन्न होने वाली है कुछ। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि जो भी जानकारी या जो भी पेपर की बात मैंने की है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, पुराने वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है, इसको डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, और आपके यहाँ जो भी सर्वे अधिकारी हैं आ रहे हैं उनसे पूछिए कि कौन से सर्वे के आधार पर आपके यहाँ सर्वे होना है, क्योंकि अगर एक के आधार पर होगा पुराने के आधार पर तो ठीक है, और नहीं तो अगर आरएस के आधार पर कह रहे हैं या फिर दोनों के आधार पर कह रहे हैं तो आने वाले समय में आप मुसीबत में पड़ने वाले हैं। और अगर ऐसा है तो इसको लिखित विरोध सरकार के पास ज़रूर पहुंचाइएगा। हम लोग भी चाहते हैं लोगों से राय मशवरा करके आगे सरकार को इस बात की जानकारी दें, और इस तरह से आने वाले समय में मुझे नहीं लगता है कि सरकार जब तक अपना रिकॉर्ड ठीक करेगी तब तक लोग चैन की सांस ले पाएंगे। आने वाले समय में लोग परेशान होंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, मारपीट होगा, केस मुकदमा होगा, जिससे कोर्ट के अंदर दबाव बढ़ेगा। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं, धन्यवाद।